बिहार दे लिट्टी चोखा दी मुरीद प्रधानमंत्री मोदी दे नाल पूरी दुनिया है। पर सिर्फ लिट्टी चोखा ही क्यों, बाड़ अते मुनीर दे लड्डू, सिलाव दा खाजा ते कई अजिहियां रवायती मिठाइयां ने जिसनू खा के तुसी कहोगे वाह क्या स्वाद है। गया दियां गलियां च इन्नी दिनी सोहनी खुशबू तैर रही है अते इह खुशबू लोकां नू इस कड़ाके दी ठंड च रजाइयां चों कढ के दुकान तक लै जांदी है अते इह मनमोहणी खुशबू है मशहूर तिलकुट दी। गया दा रमना रोड तिलकुट दे स्वाद लई जाणिया जांदा है। इस गली विच कदम रखदिया ही तिलकुट कुटण दी आवाज़ चारे पास्यों कन्नां च गूंजण लगदी है। जदों गर्म कड़ाही विच तेल नूं भुन्निया जांदा है तां सौंधी महक पूरी फिजा विच घुल जांदी है। तां ही लोक हड ठारवीं ठंड च वी तिलकुट खरीदण लई पहुंचदे ने। गया दे तिलकुट दी विशेषता इह है कि इह काफ़ी खस्ता हुंदा है। इथों दे तिलकुट की गल करिए इसनू देखते ही सामने वाले दे मुँह च पानी आना लाजमी है। खाने में खासियत लगता मुलायम रहता है, काफी प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध है। कब से ले रहे हैं? हम 3-4 साल से तो ले रहे हैं जरूर, पहले नहीं रहते हैं। हर जगह में खास तो है ही, मुलायमियत रहता है, खासता रहता है, खाने में टेस्टफुल रहता है। यही वजह है इथों दे तिलकुट दी डिमांड काफी ज्यादा हुंदी है। खासकर खोए तो बनन वाले तिलकुट दा स्वाद तुहानूं इथों दा फैन बना देवेगा। वैसे तां गया च साल भर तिलकुट मिलदा है, पर दिसंबर तो फरवरी तक सब तो ज्यादा बिक्री हुंदी है। इथों प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश च तिलकुट जांदा है। गया विच तिलकुट बनाउण दी प्रक्रिया कई सौ साल पुरानी है। रमना रोड दे साहब नूं तिलकुट निर्माण शुरू करन दा सेहरा जांदा है। गोपी साहब दे वंशज अजे भी इस कारोबार नाल जुड़े हुए ने। गया शहर विच इस समय 200 तो वध तिलकुटां दीआं दुकानां ने अते 5000 परिवारां दे 20000 तो वध लोक सिद्धे अते असिद्धे तौर ते इस कारोबार च शामिल ने। रमना से ही तिलकुट का आविष्कार हुआ। यहाँ थे जकारी महाराजा और गया में गयावाल पंडा सब, ये सब बहुत धनाढ़ होते थे और ये तिलकुट पसंद करते थे। उन्होंने ही तिलकुट को प्रोत्साहित किया। आवाज़ तिलकुट पूरा देश में ख्याति प्राप्त कर लिया है। हम लोग GI टैग के लिए भी प्रयासरत हैं कि तिलकुट का क्षेत्रीय मिठाई से बढ़ करके राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल जाए। ये रोज़गार जो है करीब 5000 परिवार इसमें जुटे हुए हैं। एक एक मजदूर को जो मजदूरी मिलता है 14 जनवरी के बाद, वो फिर बेचारे जो है, चूँकि तिलकुट का रोज़गार सालों भर नहीं चलता है, तिलकुट जो है सरकार चाहेगी मार्केटिंग व्यवस्था करेगी। अंदाजे मुताबिक इस शहर विच रोजाना 50 क्विंटल जां तकरीबन 2 करोड़ रुपए दा तिलकुट बिकता है अते इस दा कारोबार भी गया दे बाहरले इलाकियां विच भी है। रवायती ढंग नाल तिलकुट बनाउण विच बहुत समां अते मेहनत दी लोड़ पैंदी है। पानी में चीनी में डाल के गलाया जाता है। गला के उसके बाद कढ़ाई में उसको फुलाया जाता है। उसके बाद चाशनी उसको बनाया जाता है। चाशनी बनाने के बाद उसको पत्थर पूजा दिया जाता है। पत्थर पूजाने के बाद उसको कुछ देर ठंडाया जाता है। कुछ देर ठंडाया जाता है, उसके बाद मोड़ के उसको पट्टी पर चढ़ा जाता है। ये हो गया पट्टी, इसको भी चढ़ाएगा। उसके बाद उसको लंबा लंबा करके ऐसा खिंचाएगा। उसके बाद उसको चिल्ली में गर्म करेगा। चिल्ली को गर्म करते हुए उसको चिल्ली गर्म हो जाएगा पूरा, उसको डाल के पूरा मैसेगा। मैस को उसको लोहिया काटेगा। लोहिया काटने के बाद उसको कूटेगा। कूटने के बाद उसको पैक करके हमारे यहाँ टेस्ट तो यहाँ गुड़ वाला, चीनी वाला, खोआ वाला है और रेबरी है, सेंटेड रेबरी होगा, और तिल का मांग लेकिन लड्डू का मांग ज़्यादा होता है। कम मीठा में चीनी वाला, गुड़ वाला, शुगर पेशेंट के लिए गुड़ वाला जो है खाया जाता है। गया विच तिलकुट दा कारोबार सैकड़े साल पुराना है, पर बदलदे समय दे नाल इथों दे कारोबार भी अपडेट हो रहे ने। बहुत सारे दुकानदार ऑनलाइन तिलकुट बुक कर रहे ने अते उन्हां नूं पार्सल राहीं पटना, रांची, दिल्ली, कोलकाता अते हैदराबाद समेत कई शहरां विच भेज रहे ने। इस दी विक्री अते बुकिंग Zomato जिही ऑनलाइन डिमांड कंपनी नाल एक समझौते ते दस्तखत करके कीती जांदी है। फिर इंतजार किस गल दा, बस कॉल करो अते डाकिया खंड जां गुड़ तिलकुट लै के तुहाडे घर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। टू वॉच 24x7 न्यूज़ लाइव, डाउनलोड ETV Bharat app.